किस किस ने प्रैक्टिस की है? खड़े हो जाएं जिन्हें अच्छे से प्रैक्टिस की है टूल्स को। इलस्ट्रेटर, हाँ। अच्छे से मुराद क्या हो मतलब? ठीक है, जो किया है। खड़े हो जाओ। अच्छा, वो तो मैंने डंडे के जोर पे करवाया था ना, वो तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं बनता। पूरा हफ्ता वेस्ट कर लिया आप लोगों ने। बैठ जाओ। फ्लक्स एकेडमी का किस किस को पता है? अच्छा, फ्लक्स एकेडमी का की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दे अपलोड देयर केस स्टडीज जो रियल इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। ये उनमें से एक वीडियो है, इसको मैं आपको बताऊंगा भी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी इंग्लिश की वजह से। यार एक फ्रेंडली मशवरा है, इंग्लिश के बगैर आगे आप स्टक हो जाएंगे। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिनको डिज़ाइन पूरा आता है, इंग्लिश की वजह से उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में होती है। इंग्लिश पे काम करें, यूट्यूब चैनल्स में पूरे पूरे पढ़ें, वे कोर्सेज़ यूट्यूब में जाके उनको पढ़ें देखें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप कहीं पर एनरोल हो जाएं। इंग्लिश के बगैर कुछ भी नहीं है, मैं अभी से आपको कह रहा हूँ। किन किन की इंग्लिश वीक है? हाथ खड़ा करें। प्रॉब्लम है, ठीक है। खैर इट्स ओके, मैं इसको पूरा बताऊंगा कि ये क्या बोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने काम किया। जल्दी आओ। Last week, I showcased a branding project that I did, and I kind of showed the presentation of how I've presented the logo and the whole identity, and you guys loved it. But when I was thinking about this, I thought that it might be a little bit confusing because the way that I present the logo to the client and try to make, you know, convince them. आप लोग जब बड़े होंगे तो बना लेना। Sell the logo to them. नहीं है, एड नहीं किया उन्होंने। Does not really represent how I come up with the idea. So in my mind and in the process that I'm going through as a designer, it's not always so structured and clear that I had this concept and then this is my reference and then this is the outcome. This is not at all how this usually happens. So in this video, I want to kind of share the real process, the behind the scenes before I'm actually making the presentation. So ये कि ये असल में पूरी बात इसने यहाँ पे ये की कि जो मैं आपको बताऊंगा ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रक्चर वे है, और वाकई इंडस्ट्री में ऐसे होता है। एक क्लाइंट ने आपको 5,000 दिए, एक क्लाइंट ने आपको 1 लाख रुपए दिए, फ़र्क होगा, जाहिर सी बात है, उसके काम के प्रोसेस में, ठीक है। फ़ोन के लिए भी उसको बोले तू सर को बता भाई भाई। मेरा दोस्त है सर बालाज, वो यहीं पे आपकी तरह सीनियर था वो वाले ब्रांच में। अभी उसको हमने वहाँ पे ना जॉब दी है BMJ में, अभी वो मीडिया मैनेज कर रहा है। वो भी ऐसे ही था, यार देख ले कैसा काम किया मैंने जॉब में, भी अभी भी वो करता है। मैं उसको जान बूझ के नहीं बताता, क्योंकि बींग अ फ्रेंड सम टाइम आपको फ्रेंड की हेल्प करनी होती है, उसका दुश्मन नहीं बनना होता। तो तुम भी इससे दूर बैठो, खुद ही ठीक ठीक हो जाएगा। तो उसको मैं मना करता है करता है करता है करता है करता है, अब वो खुद ही फैसले ले रहा होता है, खुद ही चीज़ों को देख रहा होता है, ठीक है। ये ज़रा याद किया करो। तो ये कह रहे कि हर प्रोसेस ज़रूरी नहीं है सेम हो। ये कह रहे मैंने ये जो आपको बताने लगा हूँ, ये प्रेजेंटेशन बनाने से पहले इस वीडियो को बना रहा हूँ,
ताकि आप लोग को हमारा जो रियल प्रोसेस है वो पता चल जाए. ठीक है. To sell the idea. Okay, so what I usually do is I start by doing some research, right? When I get started on a project, I usually sit down with my sketchbook. I usually work with a sketchbook and I come up with some keywords. So in the project that I just showed you for a company called Saver One, which is in the automotive safety space, I came up with some keywords that are relevant. So for example, driving, safe, zone, cockpit, shield, and... लिख लो कीवर्ड्स. कीवर्ड्स एक ऐसा तरीक़ेकार है लोगों के अंदर, इसके हवाले से और भी मैं आप लोगों को चीज़ें दूंगा. कीवर्ड्स आपको हेल्प करती हैं उस लोगों को बनाने में. ठीक है. अब एक ये जो की अब जो ये काम कर रहा है ना, एक गाड़ी के लिए कर रहा है. ठीक है. ये गाड़ी का एक कंपनी थी जिसके लिए लोगो बना रहे हैं, तो उसने कहा कि मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, ड्राइविंग, सेफ जोन, ठीक है ना, स्केल, इस तरीके से. और ये क्या है फिर से सर? Word that are relevant. So for automotive safety space, I came up with some keywords that are relevant. So for example, driving, safe, zone, cockpit, shield and enforcement. Shield, ठीक है, enforcement. तो ये basically ये वो industry थी कार के हवाले से जो कि safe zone के लिए काम कर रही थी. ठीक है, सुनो अगेन. The automotive safety space. Safety space के लिए. I came up with some keyword that are. तो food का करेंगे तो क्या होगा food का? Tasty, delicious, hygiene, ठीक है ना? Handy? Healthy, हाँ healthy. मैंने कहा handy, ठीक है healthy. और क्या होगा? Delicious हो गया. Hygiene, clean, ये keywords हैं. ठीक है. अब अगर वो फास्ट फूड के अंदर सिर्फ क्या यूज कर रहा है, बन, अब क्या होगा? फ्रेश, हेल्दी, ठीक है ना, फ्लावर, फ्लावर के साथ बनाए, आटे के साथ, सॉफ्ट, ठीक है ना, फ्रेश. फ्रूट का क्या क्या होगा? क्विक क्विक फ्रूट का जल्दी क्विक क्विक बताओ. और हेल्दी, विटामिन, यस, और ऑर्गेनिक, नेस्टी, क्या मतलब? टेस्टी, सही है. ठीक है, ओके, गुड. फिलांस एजेंसी के हवाले से ज़रा मुश्किल है. खड़ो 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 खड़ो. फिलांस एजेंसी के बारे में मतलब मार्केटिंग, फिलांस एजेंसी के बारे में बता रहा हूँ. फ्रीलांस एजेंसी, रियल इस्टेट नहीं, सर्विस के बारे में बता रहे हो तुम. फिलहाल एजेंसी के लोगों में बताना नहीं, यहां आप लोग फंस जाते हो क्योंकि अब तक आप कुछ लोगों ने खुद को चैलेंज पे डाला है, उसने स्कूल बनाया, आप लोग चैलेंज पे डाल ही नहीं रहे. हर कोई आइसक्रीम पे लगा हुआ है, हर कोई फूड पे लगा हुआ है. ठीक है, तो यहां पर आप लोग फंस जाते हो. चैलेंज उठाओ तो सही, खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी. फिलहाल एजेंसी पे आपने एक लोगो बनाना है, उसके सर्विस नहीं बतानी. ठीक है ना, तो फ्रीलांस एजेंसी पे लोगो बताओगे तो वो हमेशा क्या बातें कर रहे होते हैं आपसे? क्वालिटी देंगे आपको. ठीक है, आपके बिजनेस को डिप्लॉय करके देंगे, बिजनेस सॉल्यूशन देंगे आपको. ठीक है, और ट्रस्ट कर सकते हैं आप हम पे. ठीक है, क्वालिटी वर्क देंगे आपको, मार्केट लेवल का वर्क देंगे आपको. ठीक है, और जब आपको बताएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है भाई, मेडिकल लोगो है, हेल्थ, और ऑर्गेनिक, केयर, कंसल्टेशन, और तो ये कीवर्ड्स हैं. समझ गया कीवर्ड्स में? ये आपको हेल्प करते हैं कि लोगों किस तरह का होना चाहिए. Relevant. So, for example, driving, safe, zone, cockpit, shield, and enforcement, and some values and attributes. And values and attributes. ये लिख लो. Cockpit, shield, and enforcement. ठीक है. अब values में क्या होते हैं कि आप क्या value दे रहे हो?
फूड में अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो आप एक हाइजीन फूड दे रहे हो, वो वैल्यू है जो कस्टमर को आप देख रहे हो, आप नीट एंड क्लीन फूड उनको फराहम कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो फिलहाल एजेंसी की, तो आप उनको बिजनेस सॉल्यूशन फराहम कर रहे हो, वो वैल्यू है, ठीक है। आप उनके बिजनेस को अंडरस्टैंड करके बिजनेस को डिप्लॉय कर रहे हो, आप उनको सेल जनरेट करके दोगे। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो वे वैल्यू क्या देगा, हम आपके प्रोडक्ट को सेल करके दिखाएंगे, आपके सेल्स बढ़ाएंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। हेल्थ के बारे में होगा, हम आपको अच्छा मेडिसिन देंगे, ठीक है, आपको हेल्दी करेंगे, आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। एक पॉलिटिशियन कैसे झूठ बोलते हैं हमसे, तो वो वैल्यू बता रहा होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स का जो लघवी मायने है, किसी को कोई नाम देना। अब ये सेफ जोन की बात कर, इसने क्या किया, ट्रस्ट वर्दी और एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अब अगर एट्रीब्यूट को फूड के अंदर में इस्तेमाल करो, लिख लो ये चीजें, भूल जाओगे। एट्रीब्यूट के अंदर फूड की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा हाइजीन फूड, ठीक है। फ्रीलांस की बात करूंगा बिजनेस सॉल्यूशंस, ठीक है, और एक्सपीरियंस वर्कर्स, ये एट्रीब्यूट दे रहा हूं मैं, एक नाम दे रहा हूं उस लोगों को। ये तीनों चीजें काम आती हैं जब आप लोगों को डिजाइन करते हो, ये ब्रांडिंग की बात है, हैं? कीवर्ड्स हैं, वैल्यूज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आप खुद से ही पढ़ेंगे। व्हाट इज कीवर्ड्स इन लोगो डिजाइनिंग आपको मिल जाएगा चैट जीपीटी से। व्हाट इज वैल्यूज इन लोगो डिजाइनिंग लिख लो इनको। व्हाट इज कीवर्ड्स इन लोगो डिजाइनिंग लिख लो, जल्दी लिख दो। व्हाट इज कीवर्ड्स इन लोगो डिजाइनिंग, व्हाट इज वैल्यूज इन लोगो डिजाइनिंग, इन लोगो थिंकिंग प्रोसेस, ये लिख दो, लोगो थिंकिंग प्रोसेस। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स इन लोगो थिंकिंग प्रोसेस, खुद ही चैट जीपीटी भी आपको बता देगा और आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें आपने पढ़नी है खुद से, अदरवाइज नहीं होगा प्रोजेक्ट आपका, वरना फेल कर दूंगा डायरेक्टली। व्हाट इज कीवर्ड्स, व्हाट इज वैल्यूज, व्हाट इज एट्रीब्यूट इन लोगो थिंकिंग प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स, ए डबल टी आर आई बी यू टी एस, हाँ, हाँ ना, वो मशहूर है काफी, यूएसपी है ना, हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है, बैठ जाओ, आगे बढ़ते हैं। And some values and attributes, and just writing this things down on paper kind of guides where I should do some visual research. And when I'm saying I'm doing visual research, does not mean that I'm looking at other brands, other logos, and inspirational sites like Dribbble or stuff like that. What I usually do is I make kind of a research folder here on my computer, and I start to make visual references that are from the world of, so if there's safety, how does... अब ये बात कर रहे रिसर्च की, विजुअल रिसर्च लिख लो। विजुअल रिसर्च, एट्रीब्यूट्स दे दिए, ठीक है। अब ये विजुअल रिसर्च की बात कर रहा है, ये यहां पे इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और याद रखना ये केस स्टडी की बात कर रहा है। फ्लक्स अकेडमी टॉप एजेंसीज में आता है डिजाइन के अंदर, और ये वो उसका सीईओ है, ये वो बात कर रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, इतने एक्सपीरियंस वाला बंदा बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी यूनिक, अच्छा और वाकई वैल्यूएबल होगा। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जरा सुन लें फिर से। Guys where I should just an enforcement and some values and attributes and just writing this things down on paper kind of guides where I should do some visual research. And when I'm saying I'm ये कह रहे हैं जब इनको आप लिखोगे ना, ये आपको गाइड करेंगे विजुअल रिसर्च में। अब लिंक बना दो इन सबको नीचे एरो दाके कि ये हमें हेल्प करेंगे विजुअल रिसर्च में। लगाओ ना एरो, फिर घर में भूल जाओगे,
लो भाई सुभान अल्लाह, छोटे और छोटे कॉपी लो, इतने इतने वाले कॉपियाँ लो, इतने वाले। हमेशा याद रखना कि अगर आपको अच्छा पढ़ना है A4 साइज पेपर ले लें, उनको जमा करते जाएं, A4 साइज पेपर वो अच्छे होते हैं, एक टॉपिक उसमें अच्छा आ जाता है। सही है, ठीक है, ये आपको गाइड करेंगे विजुअल रिसर्च में। अब आगे सुने, I'm doing visual research does not mean that I'm looking at other brands, other logos and inspirational sites like Dribbble or stuff like that. What I usually do is I make kind of a research folder here on my computer and I start to make. सही है, अब इसने कहा कि विजुअल रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों के लोगों को देख रहा हूं, वो तो इंपॉर्टेंट है, बट यहां पे मैं क्या करूंगा, उन एस्पेक्ट्स को देखूंगा, उन सैंपल्स को देखूंगा, उन निशानियों को देखूंगा जो मैंने लिखे हैं। अब ये क्या देख रहा है, रोड मैप को देख रहा है, क्यों, क्योंकि वो सेफ्टी कार के हवाले से कुछ बना रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, विजुअल रेफरेंसेस दैट मैप को देख रहा है फ्रॉम द वर्ल्ड, हेलमेट को देख, क्योंकि सेफ ड्राइविंग के लिए कुछ कर रहा है। सो इफ देयर इज सेफ्टी, हाउ डज थिंग्स दैट रिलेट टू सेफ्टी, हार्ट बीट्स को देख रहा है, हाउ डज थिंग्स दैट लुक, टेलीफोन को देख रहा है कि लोग इस तरीके से मर जाते हैं, टेलीफोन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, टॉक अबाउट ट्रांसमिशन एंड टेक्नोलॉजी लुक्स लाइक एंड जस्ट मेक रेफरेंस फॉर इफ दिस इज कार्स, हाउ डू पार्ट्स ऑफ कार्स लुक लाइक, हाउ डू कार्स रिलेटेड सिंबल्स लुक लाइक, सो एंड व्हेन आई एम हैविंग लुक एट दोस रेफरेंसेस, दोस आर काइंड ऑफ, ठीक है, तो ये वो रेफरेंसेस हैं। लाइक अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड हाइजीन में शायद कोई उल्टी कर रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, अबे भाई तुम लोग सबके कॉल जा रहे हैं, तुम लोग क्लास में आते क्यों हो, जाओ, आई मीन ये बता दिया करो कि यार आई एम इन क्लास, मैं गरीब मैं हूँ, कॉल ही नहीं आता, यार देखता हूँ किसी ने कॉल तो नहीं किया, बस क्या करें, हम गरीबों को ईमेल जा रहे होते हैं। क्यों भाई, जेल में डाल दूंगा बेटा, जेल में डलवा दूंगा तेरे को, मैं कानून पढ़ा हूं, मैं जानबूझ के कॉल करवा के साइबर सिक्योरिटी के हत्ते चढ़ा दूंगा तेरे को, मजाक कर रहा हूँ यार। सही है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स निकाले हैं मैंने या जो कीवर्ड्स निकाले हैं वो मैं ऐड करूंगा, हाइजीन को देख लूंगा, हेल्थ को देख लूंगा, हेल्थ में दिल का निशान आता है, ये आपने ऐड बस सेव करते रहना है अपने फोल्डर में कि ये मेरे विजुअल रिसर्च है। विजुअल ये नहीं है कि आप दूसरों के लोगों को देखो, वो इंस्पायरेशन रिसर्च है, समझ रहे हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि लोगो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए बिजनेस के हवाले से, ये हमने शुरू में पढ़ा था, तो वो ऐसे नहीं होगा कि उस बंदे का मुंह लगा लिया, वो उसी बिजनेस के लिहाज से कुछ विजुअल्स होते हैं, राइट, ऐसा ही है, फूड पांडा पांडा है, सही है ना, एप्पल हाफ एप्पल है, ठीक है, तो वो विजुअल्स हैं, वो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो उस इंडस्ट्री में काम करेंगे। अब क्या पता आप सेफ्टी के लिए, क्या पता आप कुछ ऐसा बना के उसको डिजाइन कर सकते हो कि सिर्फ हाथ है और यूं करके नीचे नाम लिख दिया, ठीक है, तो ये विजुअल्स आपको हेल्प करती हैं एट्रीब्यूट्स में, क्लियर है, समझ गए, विजुअल रिसर्च समझ गए या समझाऊं, सबको समझ आ गया क्या होते हैं विजुअल रिसर्च में, बताओ भाई, अबे ये पता नहीं क्लास में क्या कर रहा होता है, हाँ बताओ जल्दी, क्विक क्विक जल्दी कर लो, है जो आपने वो निकाले थे ना, क्या कीवर्ड्स एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज, उसको आपने रिसर्च करना और सेव करते रहना, दैट्स इट। सो एंड व्हेन आई एम हैविंग लुक एट दोस रेफरेंसेस, दोस आर काइंड ऑफ ओरिजिनल सोर्स, दे हैवंट बीन काइंड ऑफ अडैप्टेड बाय ग्राफिक। अब ये देखो कितनी जबरदस्त बात है, कहते ये वो ओरिजिनल रेफरेंसेस हैं, क्या हैं, जिनको मैं यूज कर सकता हूं। अब अगर मैं लोगो सिर्फ देखूंगा ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी ने अडॉप्ट किए होते हैं। अब लोगो होना चाहिए यूनिक, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, ठीक है, इंस्पायरेशन लेनी है वो भी जरूरी है, बट उससे पहले आपके पास कुछ ओरिजिनल रेफरेंस होने चाहिए उस इंडस्ट्री से,
इसीलिए कीवर्ड बनाते हैं। कीवर्ड से हमें आसानी होगी विजुअल रिसर्च में, विजुअल रिसर्च से आसानी होगी कि हमारा लोगो कुछ हद तक यूनिकनेस की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ? कनेक्शन बन रहे? सबको समझ आ रहा है कनेक्शन? सबको समझ आ रहा है कनेक्शन? वेरी गुड। Designers into something already. So this is the core reference, and then I have a lot of ideas to work from. Now, after I've made this and my brain is kind of filled out with a lot of, let's call it original ideas, original. ठीक है, अब ये क्या है, जब मैं इतना ज्यादा चीजें reference add करूंगा, अब मेरा mind खुलता जा रहा है. Now I have more ideas to work on. अब ideas ज्यादा हो रहे हैं, so it's mean मेरा जो काम का जो तरीकाकार है वो अच्छा होगा. डेटा मेरे पास आ चुका है, अच्छे खासे आइडियाज आ चुके हैं, रेफरेंस आ चुके हैं, ठीक है। ये ब्रांडिंग लेवल का लोगो डिजाइनिंग है, ठीक है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैनवा की तरह वो पत्थर के नीचे वाला लोगो डिजाइनर बनना है, तो फिर वो एक दिन का काम था। हाँ, सेफ सेफ ड्राइविंग के वाले से। हाँ, क्या क्या चीजें हो सकती हैं इंडस्ट्री के हवाले से, विजुअल चीज, हाँ, जो पिक्चर्स आ रही हैं, चाहे वो सैंपल्स हैं, कुछ भी हैं, आपने सेव करते रहना है। एग्जैक्टली 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 वो चीजें होंगी। लाइक मैंने कहा ना, फूड में, हेल्थ में दिला सकता है, ठीक है ना। अम्मी अब्बू साथ बैठे हुए क्योंकि उन्होंने ऐसे खाना नहीं खाया कि उनका पेट खराब है, ठीक है ना। फैमिली साथ बैठी हुई है, और क्या कहते हैं, फूड में हाइजीन था, क्वालिटी था, इस तरीके से। वो अलग चीज़ है, वो तो प्रॉपर सैंपल है, वो अलग सैंपल है प्रॉपर। फॉर विजुअलाइजेशन फॉर दोज कीवर्ड्स, आई स्टार्ट बाय स्केचिंग एंड आई यूज माय नोटबुक। सम पीपल यू स्टार्ट स्केचिंग इमीडिएटली ऑन द कंप्यूटर, दिस इज जस्ट माय पर्सनल process, and so I just start sketching and I try to. उसके बाद उसने क्या किया, उन attributes से कुछ sample निकाल के sketching शुरू कर दी। क्या किया, शुरू कर दिया। अब देखो, shield बनाया इसने, कहीं पे वो बनाया block का, ठीक है। कहीं पे क्या किया, कहीं पे telephone के wires बना दिए, कहीं पे क्या कर दिया, कहीं पे क्या कर दिया, सही है। Those symbols, which means just an icon and a word mark for a logo or just a letter mark using. ठीक है, फिर सैम्बल बनाया, वर्ड मार्क क्या होता है, लेटर मार्क, ये लोगों के टाइप्स हैं, ये एंड में पढ़ेंगे, बहुत आसान होते हैं, पांच मिनट के अंदर। लेटर फ्रॉम द, यू नो, द नेम ऑफ द कंपनी। एंड सो आई स्टार्ट आउट बाय स्केचिंग जस्ट अ बंच ऑफ, ये देखो, शील्ड के अंदर टिक लगा दिया, ठीक है। आइडियाज, एज यू कैन सी, दोज आर सिंबल्स एंड दोज आर काइंड ऑफ वर्ड मार्क्स। अब यहाँ पे मसला है कि सर मेरी स्केचिंग अच्छी नहीं, इट्स ओके, आप बस ऐसे बनाओ कि बस आपको समझ आए, दैट्स इट। जरूरी नहीं किसी को दिखाने की, बस ट्राई करें थोड़ा बहुत उसको, बस ऐसे क्रिएट करें कि समझ आए कि आप क्या बना रहे हो, ठीक है। स्केचिंग हर किसी को नहीं आती, बट यहां पे एक रूल है, अगली इज ओके। क्या, अगली इज ओके, मीन बदसूरत भी यहां पे ओके है, सिर्फ आपने आइडियाज को निकालने। क्लियर है? And when something makes sense, I kind of write down for, so for example, this might be a car or a phone with a shield on it. And here's, for example, where I first came up with the idea that will eventually be the logo. So I wrote down here, this can actually be an image or a phone or a car. उसके बाद क्या किया, जो उसका जो main word है उस company का, उसके word को, उसको बनाना start किया। अच्छा, जहाँ जहाँ आप sketch कर रहे हो, जो अच्छा लग रहा है, उसके नीचे keyword add कर दो कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। बाद में जब आप काम करोगे, वो डेटा ज्यादा होगा, आप भूल जाओगे कि मैंने क्यों ये बनाया था, ठीक है। और ये वो जगह है जहां पे आप अपने लोगों को बनाना शुरू कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो, आप स्केचिंग के थ्रू स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। It's a protective element, and I already came up with the word embrace, that later on, this is how I'm going to present this idea. But it was just part of coming up with a bunch of ideas. So I just continued, and as you can see, I'm playing around a lot. A lot of this is bad ideas, cliches, things that are. देखो यहाँ पे फिर नाम के साथ कर लिया, फिर मज़ेदार चीज़ें, और ये एक हमेशा याद रखना, ये एक natural process है। मैंने ये खुद फील किया है,
जब मैं बैठता हूँ ना काम करने के लिए, किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, आप बनाते जाते हो डिफरेंट, कितने आइडियाज आपको आ रहे होते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है और ये इंसानी फितरत है। आप ध्यान करें, समटाइम आप अकेले होते हैं कुछ पढ़ने के लिए, दोस्त आते हैं तो आइडियाज आ रहे होते हैं, यार ये यूँ भी तो हो सकता है, यूँ भी तो हो सकता है, यूँ भी तो हो सकता है, इस तरीके से तो हो सकता है, इस तरीके से भी तो हो सकता है। ठीक है, obviously will not end up using, but then I kind of came back to this idea and tried to refine it more and more, and as you can see there is a lot of it. Now some of you guys, कितने स्केच इसने बनाए हैं। ठीक है, तो ये लोगो होते हैं जो के $1,000 के भी मिलते हैं, सिर्फ लोगो। ठीक है, we're asking how long did I work on this project, and the answer was that on the brand identity process it was about 2 to 3 weeks, but you have to understand that 3 weeks isne pura kaam kiya hai is project mein, and I'm doing other projects since I'm a freelancer, I'm also working on my own business, and so it wasn't like ab ye keh rahe hai ki 3 weeks isliye lega kyunki main kahin aur bhi busy hota hu, otherwise 1 week ka kaam hai, itna koi logo ko acha bhi banana hai na, वैसे तो बोलते हैं 1 घंटे का काम है, अरे बना लूंगा। अच्छा लोगो 1 हफ्ता लेता है, 3 दिन भी ले सकते हैं अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसर हैं, कुछ भी नहीं करते, सुबह उठ के डायरेक्टली मुंह धो के बैठ जाते हैं अपने वर्किंग प्रोसेस में, अच्छी बात है, अदरवाइज 1-2 हफ्ते लगते हैं। 2 weeks working dedicated on this, and also I think that when you're working on stuff like logos and brand identities, it's good to breathe within kind of a creative session and another creative session. So even if I just do 2 hours a day, it's better to do a week or 2 weeks like that rather than have 2 days of, I think it will be more effective than having 2 days of 10 hours a day. So तो ये कह रहे हैं कि अमूमन ये मैंने ये एक पूरा रूल भी है। ठीक है, ये इस रूल को बोलते हैं ब्रेथ रूल, अपने प्रोजेक्ट को ब्रेथ दिया कर रहे हैं। ठीक है, रियल इंडस्ट्री की बात, अभी तो आपको ब्रेथ नहीं चाहिए, अभी आपको काम चाहिए। ठीक है, आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर क्लाइंट ने कहा मेरे पास 2 वीक हैं, आप छोड़े में ना आए, मैं 2 दिन में कर दूंगा, नहीं, ब्रेथ लें, इससे आइडियाज आपको मिलते हैं। 2 घंटे काम किए, ठीक है, इट्स ओके, कल प्रोसेस बनाए, टेम्पलेट बनाए, लोगो का है, पहला दिन क्लाइंट से बात करना है 2 घंटे, क्या बनाना है, क्या करना है, दूसरा दिन रिसर्च करना है, कैंपेन है, प्रेजेंट बात किया उससे, मिले होटल में, कहीं भी मिले, बात किया, राइट डाउन किया, दूसरे दिन रिसर्च करूंगा, ठीक है, क्या बनाना है, साइट में बनाऊंगा जो क्लाइंट का जो चीज़ है, और हर चीज़ को नोट किया करें, हर चीज़ को नोट किया करें, इंसान भूल जाता है। कभी कभार मुझे इतना गुस्सा आता है, एक आइडिया को मैं नहीं लिखता हूँ जब मैं काम पर, यार क्या था वो, जहन में आता ही नहीं है, आज तक वो आइडियाज पर वापस जहन में मेरे नहीं आए, इसीलिए लिखा करें अपने फ़ोन के नोटबुक में। मैं यकीन करो आपको दिखाऊंगा, पता नहीं मैं क्या क्या लिख रहा होता हूँ, अजीब वगरीब, बस कीवर्ड अपने जहन में, और इस वक्त मेरे जो फ़ोन का जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, नहीं स्टोरेज नहीं, वॉलपेपर, पता है क्या है, मेरे आज की टू डू लिस्ट है जो मैंने पेपर में सुबह खींच के उसको वॉलपेपर, मुझे ये काम करना है आज, सारे हाफ हो चुके हैं, हाफ रहते हैं। और ये चीज़ मैंने पता है कहाँ से सीखी है, हमारे BMJ में एक बंदे आए थे, बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे, उसके फ़ोन में कुछ ऐसा ही था, एक पर्ची था उसमें कुछ नोट लिखा हुआ था। ठीक है, मैं क्या करूँगा वॉलपेपर लगा के, हाँ गाड़ी भाग रहा है और पता नहीं अक्षय कुमार लगा हुआ है किसी के पीछे में, कैटरीना कैफ अपना काम लगाओ, आपको याद रहे कि अच्छा ये काम करना है, बार बार जिससे खोलोगे अच्छा यार ये काम तब तक नहीं, वो आपको टेंशन होती रहेगी जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा आइडिया, उसमें से आधे काम तो मैंने कर भी लिए हैं, तो थोड़े से रहते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, ख़ुद को याद दिलाना होता है, टेम्पलेट बना लें, और घर पे मैंने कहा ना एक वर्क स्पेस को बना लें अपने, चाहे वो छोटा मोटा टेबल हो या कबाड़ से ले लो अच्छा वाला टेबल, रख दो उसको थोड़ा सा अच्छा करो, 1-2 दरख्त लगा लो, जितना आप काम को एक्साइटेड करेंगे उतना आपका दिल होगा, और उस रूम में तब जाना जब आपका काम हो, वरना मत जाना, ये इससे आपको बहुत हेल्प होगा। बेसिकली दिस इज हाउ आई वर्क। नाउ वंस आई गेट कपल ऑफ आइडियाज स्केच दैट आई थिंक दैट आर सॉलिड एंड परहैप्स आई कैन कम अप विद समथिंग, देन आई मूव इनटू इलस्ट्रेटर एंड द फर्स्ट। ठीक है, अब ये बोला है कि जब मुझे फील हो गया कि ये आइडियाज मेरे लिए बेस्ट हैं, 3-4 आइडियाज, फिर मैं इलस्ट्रेटर में जंप करता हूँ, लिख लो। ठीक है,
टेकिंग आउट 3 to 4 बेस्ट आइडिया फ्रॉम स्केच, इस तरह लिख लो उर्दू में या इंग्लिश में, कि अपने स्केच से 4-5 अच्छे वाले आइडियाज निकाल लिए जो हेडलाइन पे भी अच्छे लग रहे थे, सैम्पल से लिखो ना भाई, सैम्पल से भी अच्छे लग रहे थे, अब मैं उनको लिस्टेटर में जाके जंप करता हूँ. स्टेप ऑफ आइडियाज हाँ फ्रॉम स्केचिंग इन टू इलस्ट्रेटर, इस तरीके से. अब आप मुझे ये जरा ये बता दें, क्या इसके लोग इसके इस वाले लोगों में कितने टूल यूज किए होंगे इसने? ये पता नहीं, ये देख के बात नहीं करता क्या? ये इसमें क्या यूज किया होगा इसने? तुम होश में होते हो, क्या करते हो तुम? सिंपल एस है, डायरेक्ट होगा. और मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं सारे टूल यूज हों. रियल इंडस्ट्री में जितने भी आप लोगों को देखेंगे इतने टूल्स यूज नहीं होते, ठीक है? बट आपको टूल्स का आना जरूरी है. Going to Illustrator is, again, I'm trying to check a lot of things. What happens if the shape is, you know, rectangular, circular, and just making a lot of iterations on this idea with... अब ये क्या है? इससे और क्या लगा दिया है? एक लाइन लगा दिया, ठीक है? अमूमन सारा कुछ आपका काम करके कौन देगा? शेप करके देंगे एट द एंड ऑफ द डे. आप कुछ भी कर लें, आखिर में जीत हमेशा शेप्स की ही होती है. इसीलिए बच्चों को मैं कहता हूँ कि शेप्स में महारत हासिल करें, शेप्स को यूज करने का तरीका वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. और उन्हीं शेप्स के अंदर टूल्स को ऐड करना, लाइक डायरेक्ट टूल है. अब शेप यूं है, आपको यूं करना है, डायरेक्ट टूल से आप कर सकते हो. डायरेक्ट टूल बहुत काम का और मजे का टूल है, उसको यूज करना आप लोग स्टार्ट कर लें. लाइंस विदाउट लाइंस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस विद डिफरेंट फॉन्ट्स. And as you can see, once I do that and I make a lot of copies, I see it positive, negative, does it work? कितने कॉपीज इसने बनाई हैं? आप लोग क्या करते हो? एक बनाई यार, ना मजा नहीं आ रहा यार, चल बंद कर दे, बाहर चल के चाय पीते. सही है, ऐसे लोगों तो मैं एक्सेप्ट करते ही नहीं हूँ अपने क्लास में. दो स्केच हैं, एक लोगो है, नहीं फिर से बनाओ जाओ. सही है, तो ये ऐसे लोगों तो मुझे चाहिए ही नहीं. पहली बात तो ये, लोगो डिजाइनिंग करना इस दौर में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको ये सिंपल बता दूं. बट ब्रांडिंग जैसा लोगो, ये मुश्किल बात है. आप मैं बड़े लेवल की बात नहीं करता, छोटे लेवल में किसी से पूछ लो कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नहीं पता होगा लोगों को, और वो अपने आप को तुरम खान समझते होंगे. ये चीजें नहीं पता होती, ये ब्रांड लेवल के काम है. फ्लक्स अकेडमी कोई छोटा ब्रांड नहीं है, बेहोश ना हो जाओ यार तुम. सही है, How does the typeface should work with it? ये तो बंद ही हो गया. अब एक चीज आपने नोट किया, वो ब्लैक में भी चेक कर रहे हैं, व्हाइट में भी चेक कर रहे हैं. ये चीज हमने पढ़ा था कि आपका पहला लोगो ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, इसमें कलर्स ऐड नहीं करेंगे, बाद में कलर्स ऐड करेंगे, बट ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में चेक करना पड़ता है क्या फील आ रहा है. Finally, after a lot of kind of looking around, I get into something. And then, as I showed you in the presentation, this is the first version. Then we do even more iterations on the shape, checking how the shape should be sliced with, you know, round corners, how much round corners. और देखो छोटे छोटे details पे काम किया है इसने, ठीक है? और ये आराम से आप कर सकते हो किसके थ्रू? सीजर के थ्रू, कटर के थ्रू, ठीक है? डायरेक्ट टूल के थ्रू. डायरेक्ट टूल में आपने एंकर पॉइंट डाल दिया, उसको थोड़ा सा यूं कर दिया तो वो कर्व हो गया, नीचे थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक है? आराम से आप कर सकते हो. Sharp corners, straight lines, diagonal lines. I'm trying to check everything I can to make sure that the shape is really optimized. And then I try to check for some colors. फिर इसने कलर्स खुद यहाँ पे डिफाइन किए कि क्या क्या, कौन कौन से कलर कहाँ कहाँ यूज होगा. So I make हमेशा याद रखना कि लोगोस को हर कलर से गुजारा जाता है.
क्योंकि वो उनके कपड़ों में भी लगते हैं, वो उनके शॉपिंग बैग्स में भी लगते हैं, तो डिफरेंट कलर्स के शॉपिंग बैग्स होते हैं, तो लोगो आपका हमेशा ऑलराउंडर होता है। एक कलर तो ज़रूर होता है जो फाइनलाइज होता है, ब्रांडिंग कलर, बट उसको डिफरेंट कलर्स से गुजारना बहुत ज़रूरी है। a lot of iterations. Only after I do all of that, I start thinking about how will I present it to a client. And in that kind of case, अब उसके बाद सबसे खतरनाक काम प्रेजेंटेशन क्लाइंट को। यहां पे बड़ी गलती कर लेते हैं हम लोग। PNG फाइल सेंड करना, इट्स नॉट अ गुड वे टू प्रेजेंट योर वर्क विद क्लाइंट्स। हमेशा याद रखना, वो बड़े आसानी से बोलेगा यार मजा नहीं आ रहा, चेंज कर लो। उसको रीजन देना, ये मैंने क्यों किया है, तुम्हें क्या फायदा होगा, तब वो मानेगा। वरना क्लाइंट आपको जो बेजार करेगा ना आपकी सोच है, क्योंकि उसको नहीं पता उसको क्या चाहिए, वो अपनी दिल की सुनेगा, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, चेंज कर लो। रीजन देना है व्हाई आई डू दैट, व्हाई मैंने ये क्यों किया तुम्हारे लिए, ये जरूरी है। आएगा समझ जब आप उसको बेनिफिट की बात करेंगे, आप उसके लिए बात करेंगे, ये आपके लिए मैंने बनाया, ये आपको ये फायदा देगा, तो वो जरूर मानेगा। तो कर लो, क्या कर सकते, हाँ फिर से कर लो, जब तक वो फाइनलाइज ना कर ले करते जाओ। Idea of embrace, but it's not really true that I had the concept of embrace. I researched how does embrace look like, and then I came up with the logo. The process was I did some visual research. The element of the seatbelt came up, which also had an embracing element into it. And then when I kind of started sketching this, it made sense. It connected to that visual of seatbelt and embracing. And then I structured the presentation, the client presentation, in a way to sell this. But obviously it came up with research and then playing around a lot. Anyway, hope you guys found this useful. I'm going out to a client meeting right now. Another intense day. My client promised me a shiatsu session after our meeting today. Let's see if he's actually going to deliver on that. साइकिल चला रहे हैं देखो। अब ये कराची का होता है, पांच गार्ड इसके पीछे होते हैं। Task Man, करने भी that चला was गया। So nice. Actually, the first time I ever got a shiatsu treatment, which is a bit nicer actually than a regular massage. And in middle, I think ये अभी vlog ही बताएगा। Just because shiatsu is really awesome. Great day. Now I'll catch you. सही भाई, तो ये एक process था। क्या क्या चीजें सीखी हमने आज, जरा recap करें। अबे ओ भाई तू यार कौन सा दुनिया में जी रहा है। अरे मैं लो वीडियो की बात कर रहा हूँ। वीडियो में पहले हमने क्या सीखा, क्लाइंट से बातचीत होगी, उससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या बनाना, ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, फिर वो हमें बताएगा, ठीक है। क्लाइंट से बात करना बहुत ज़रूरी है कि उनका बिज़नेस क्या है, किस तरीके के बिज़नेस से, कौन से यूज़र्स हैं, फिर आपको क्या करना है, उसी लिहाज से कीवर्ड्स आपको मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल फूड में उसने कहा कि यार हम इलाके में सबसे अच्छा फूड यूज़ करते हैं, हमारा तेल अच्छा होता है, हमारे पास हर चीज़ फ्रेश होता है, ठीक है। तो वो आपके पास कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। कीवर्ड्स आपने लिख दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 कीवर्ड्स करें, ज़्यादा ना करें, परेशान हो जाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। तीसरा क्या कर देंगे, एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विजुअल रिसर्च करेंगे। विजुअल रिसर्च में लोगो नहीं देखेंगे। अब आप लोग इसके अंदर एक मल्टीपल चीज़ ऐड कर सकते हो। विजुअल रिसर्च के बाद लोगो इंस्पायरेशन की भी कुछ टाइमिंग रख लो, आधा घंटा, कि ठीक है वीडियो रिसर्च हो गया, आप लोगों को देखते हैं लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, यू कैन डू। रिसर्च इंडस्ट्री को देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, चूहा आ गया, तुम ऐसे भाग रहे हो। हाँ ज़रूरी नहीं है ना, हाँ
हाँ देखो जरूरी नहीं है, एस को अगर आप देखो तो उसने एंड में बताया भी कि उसने एस को जैसे बनाया हुआ था वो सीट बेल्ट का भी एक वो दे रहा था, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसने कहा कि जब क्लाइंट्स के मैंने बातचीत की शुरू में तो उसने कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि हमारा जो नाम है एस है वो आए। मैंने पहले कहा था शुरू में, याद है जो मैंने कोट लिखवाया था आपको, वो क्या था कोट पिछले वीक में, मैंने जो ब्लॉग आपको पढ़वाया था एक कोट लिखवाया था लोगो डिजाइनर का, पर लगाऊंगा तुम लोग को। कोट का मतलब ये है कि उस बंदे ने बताया था कि लोगो कैसे इंपॉर्टेंट है। हाँ पावल वाला, हाँ पावल वाला क्या था, पावल ने कुछ कहा था लोगों के कि लोगों जो दिखता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उसकी मीनिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका आंसर यहां पर है कि दिखना ठीक है बट उसकी मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या वैल्यू दे रहे हो, क्या मीनिंग है उसकी। क्लियर है? क्या करें? आवाज नहीं आ रही, जोर से बताओ। ठीक है देखो मैं आपको जरा क्लियर कर देता हूं, हम UI/UX में जो पढ़ेंगे ना स्प्रिंट, उस हवाले से भी काफी पड्डे हैं। कुछ लोग बोलते हैं स्प्रिंट इज नॉट राइट, कुछ लोग बोलते हैं, ये तुमने कहां से पढ़ा है, किसने बताया? देखो एक होता है प्रॉपर एक तरीकेकार होता है, उसको देखना होता है। अब जिसने ये कोट लिखा है वो बहुत बड़ा डिजाइनर है कि उसकी मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत उसके दिखने से, ठीक है। अगर एप्पल को देखा जाए, व्हाट इज एप्पल, जस्ट अ हाफ एप्पल, सेब को काट दिया, बट उसके पीछे की जो वैल्यू है, जो मीनिंग है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और रियल इंडस्ट्री में ऐसा है, अब फूड पांडा ने पांडा को उठा लिया, क्या है, जानवर है, उसके पीछे का जो एक क्रिएशन है उसकी जो वैल्यू कंपोजिशन है वो अलग है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपने क्या करना है, घर पे जाके ये जो रिसर्च है स्केच तक, डिजाइनिंग को छोड़ दें, स्केच तक आपने सबने 3 इंडस्ट्री के लोगोस बनाने, ये पूरा रिसर्च करके, रिसर्च जो आप निकालेंगे वो आपने USB में डाल दें या कहीं भी डाल दें, ठीक है। वो आपने दिखाने भी हैं मुझे कि सर ये इंडस्ट्री था, ये मेरे पास पूरा कीवर्ड है, ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये मैंने विजुअल रिसर्च किए हैं, ये मैंने निकाले हैं और ये स्केच किए, ये फाइनल किया मैंने। कम से कम 3 आइडियाज़ आपने फाइनल करने, और जो इलस्ट्रेटर में काम करना चाह रहा है कर लें, बट असाइनमेंट यहाँ तक के मुझे स्केच चाहिए फाइनल। क्लियर है? 3 इंडस्ट्रीज के अपने मर्जी के कॉपी वर्क है और सिर्फ विजुअल जो रिसर्च है वो आपने किसी USB में लेके जाना है कल 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 नहीं नहीं असाइनमेंट ये करना है, कैंपेन अब आपके ऊपर बोझ है भाई, हम अपना टाइम कल तक का। अरे यार ये कैसे, क्या तुम बता रहे हो यार, इतना कुछ पढ़ाने के बाद तुम सिर्फ S और G पे ABCD पे हो। हाँ तो इंडस्ट्री बनाओ, जरूरी थोड़ी है उसने S किया तुम्हारा S होगा, क्या पता तुम्हारा कोई आइकन हो, सैम्पल हो, ये बता रहा हूँ। हर चीज़ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है यार, कल तक का टाइम है। हाँ हाँ कल तक, क्या कम टाइम है बनाने का, थोड़ी बोल रहा हूं
सो जाना। हाँ।